बच्चों, इस लेक्चर में E305 फंडामेंटल और कंट्रोल सिस्टम के टॉपिक ट्रांसफर फंक्शन का अध्ययन करेंगे। ट्रांसफर फंक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट वेरिएबल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the input variable assuming all initial conditions to be zero। अर्थात हिंदी में इस तरह कह सकते हैं, नियंत्रण प्रणाली के आउटपुट सर्किट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट सर्किट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अनुपात को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, जब प्रारंभिक स्थिति को शून्य माना गया है। अर्थात ये कह सकते हैं, प्रारंभ कंडीशंस को शून्य मानते हुए आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशो ज्ञात करें तो वह कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन। माना कि कोई कंट्रोल सिस्टम है जिसका इनपुट RT है और आउटपुट CT है। RT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं RS से, इसी तरह CT के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरह लिख सकते हैं लाप्लास RT इक्वल टू RS, लाप्लास CT इक्वल टू CS। तो ट्रांसफर फंक्शन होगा GS इक्वल टू CS अपॉन RS, CS अपॉन RS और GS क्या कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन। अभी ट्रांसफर फंक्शन हो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, जो स्टैंडर्ड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफर फंक्शन किस तरह ज्ञात करेंगे। ये समिंग पॉइंट है या आउटपुट है, इनपुट RS है और फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन GS है, फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन HS है। अर्थात हम फीडबैक सिग्नल BS, ये BS BS को लिख सकते हैं, या CS है CS इंटू HS, HS इंटू CS, BS इक्वल टू। इसी तरह ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये से यहाँ लिया और यहाँ से यहाँ तक हम ट्रांसफर फंक्शन निकाले तो कहलाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अर्थात BS अपॉन ES, BS अपॉन ES। तो ES से चलते हुए यहाँ तक देखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स R1 को मल्टीप्लाई करेंगे, GS इंटू HS, तो BS इक्वल टू होगा ES इक्वल टू GS HS, ये कहलाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन, आउटपुट से सिस्टम के इनपुट तो CS है या ES है, तो ये कहलाता है CS अपॉन ES इक्वल टू GS, इसको कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन। अभी इसी इक्वेशन से CS की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो CS इक्वल टू हो जाएगा GS इंटू ES, GS ES की वैल्यू पुट करेंगे, ES किसके बराबर होगा RS माइनस BS, RS माइनस BS, यहाँ वैल्यू पुट कर दी ES की, फिर GS से फिर BS की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, BS इक्वल टू HS CS है तो यहाँ पुट कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, CS इक्वल टू GS RS माइनस GS HS CS, CS वाली टर्म को हम इधर ले आए, ये वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, अर्थात CS प्लस GS HS प्लस CS HS मल्टीप्लाई CS इक्वल टू GS RS, यहाँ CS कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच गया, 1 प्लस यहाँ बच गया GS HS, GS अर्थात 1 प्लस GS HS को ब्रैकेट में रख देंगे और इक्वल टू यहाँ हो गया GS RS। अब हमें ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है CS अपॉन RS, तो इस RS को तो इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर डिवाइड करते हैं, अर्थात सी एस अपॉन आर एस हो जाएगा जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। इस तरह क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, इस तरह क्लोज लूप सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात एक हमें फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इस तरह लिखा जा सकता है सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस वन प्लस जी एस एच एस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या है, जीरो इनिशियल कंडीशन,
मतलब ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक शर्तें शून्य ली जाती हैं। ट्रांसफर फंक्शन कैन बी फाउंड आउट फॉर लीनियर कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन केवल लीनियर कंट्रोल सिस्टम का ही हम ज्ञात कर सकते हैं। पोस जीरो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन, यदि ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात है तो उसकी सहायता से हम पोल जीरो भी ज्ञात कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात है तो स्टेबिलिटी भी उसकी ज्ञात की जा सकती है। और ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करने की स्टेप्स किस क्या तरीका है? स्टेप फर्स्ट है राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन सिस्टम, जो दिया गया सिस्टम है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद उस इक्वेशंस के इनिशियल कंडीशंस को जीरो मानते हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे। फिर आउटपुट से इनपुट का रेशो ज्ञात करें, फाइंड आउट द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, और फिर इस तरह हम उसका ट्रांसफर फंक्शन लिख लेंगे जी एस इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस। थैंक यू।